फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग एंड टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर ज्योग्राफी बुक नेम स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड क्लास 7th ज्योग्राफी. दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड स्टूडेंट विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर 7 स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स. वी हैव मेनी कॉन्टिनेंट्स इन our geography book to study, but first of all we will study about the Europe continent. Key concepts in this chapter, we will study about the introduction, location of this continent in the map, its boundaries, political divisions and countries with their capitals, major physical features. And student, ये यहाँ पे जो आपके पास मैप में दे रखा है, तो ये है जो मैप में दिखता है, जो यूरोप यानी कि यूरोप का ये पॉलिटिकल मैप, ये देखिए यहाँ पे शो होगा आपको वर्ल्ड मैप में. और हमारा इंडिया यहाँ पे हो गया और ये है यूरोप यानी कि ये कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है. कॉन्टिनेंट को महाद्वीप बोलते हैं. सो स्टूडेंट, यूरोप का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं. जो यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का और ये फैला हुआ है 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो ऑस्ट्रेलिया वो केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो यूरोप से क्या है, स्मॉलर है. तो यानी कि जो यूरोप है वो ज्यादा थोड़ा बड़ा है किससे, ऑस्ट्रेलिया से. और यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का. डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, और इसके स्मॉल साइज होने की वजह से दूसरे कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में इसका जो साइज है वो स्मॉल है. और जो यूरोप है वो प्ले करता है रिमार्केबल रोल इन्फ्लुएंस करने में जो हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसको. इन द पास्ट यूरोपियंस वर द फर्स्ट हू एक्सप्लोर्ड, और पास्ट में जो यूरोपियंस थे जो सबसे पहले आए, उन्होंने एक्सप्लोर किया इसको, उन्होंने डिस्कवर किया और इसके बहुत सारे प्लेसेस कोलोनाइज किया यानी कि वहां पे रूल किया, उनको अपना बना लिया यानी कि जो भी प्लेसेस थे उनको वहां पे इनका रूल चला हर एक कॉन्टिनेंट में. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू प्लेस हियर इन द 18th सेंचुरी. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो यानी कि हुआ वहां, जैसे कि हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत टाइप के वहां काम होते थे, वहां वर्कर रखे जाते थे काम करने के लिए वेजेस के अकॉर्डिंग, वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था. तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ शुरुआत हुई उसकी. Subsequently, all kind of political, religious, social, economic, scientific and technological development that took place here transformed the world history and culture. और ऐसे ही करके जो धीरे धीरे पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इकोनॉमिक ऐसे डेवलपमेंट होने लगे जिन्होंने कि यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर को चेंज कर दिया. और 300 इयर्स पहले जो पास्ट यानी कि जो बीत गए 300 साल, तो इस टाइम ये रिस्पॉन्सिबल था प्रोग्रेस के लिए. इसने क्या करा, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की. इवन टूडे इट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सीनरी ऑफ द वर्ल्ड, और आज के टाइम पे भी ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक सीनरियों को, किसके, वर्ल्ड के. तो स्टूडेंट यहाँ अलग अलग कंट्रीज है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है. ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस यूरोप का, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप है वो बीच में लोकेटेड है, जो जितने कॉन्टिनेंट है ना उनमें से जो यूरोप है वो सेंटर में लोकेटेड है. यूरोप कंबाइन करता है एडवांटेजेस उसकी मिडलैंड पोजीशन किसके साथ, सोर्स किसके साथ, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, कैसे, सी के थ्रू. और ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग रूट्स है, स्पेशली द नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड रूट. और यहाँ पे जो बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग रूट है वो है नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग ट्रेड रूट. अब हम पढ़ेंगे लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में, यानी कि जो हमने मैप में तो देखा कि कहाँ पे प्लेस है, पर उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या है, कहाँ पे कौन से जोन में लाई करेगा. तो स्टूडेंट ये जो लाई करता है ये कहाँ पे, नॉर्थ टेम्परेट जोन में, टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में. और नॉर्थ टेम्परेट जोन किसको बोला जाएगा, ये तो हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ेंगे. और स्टूडेंट ये नॉर्थ टेम्परेट जोन ये इसका ये है जो आर्कटिक सर्किल, ठीक है. तो इसके बाद क्या लग जाता है, आर्कटिक सर्किल लग जाता है, ये नॉर्थ रीजन जोन है और यहाँ पे आपके नॉर्थ टेम्परेचर जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है. तो यहाँ पे ये लाई करता है. आई होप आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन टूवर्ड द वेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोप स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और स्टूडेंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, हमने आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जो लैटिट्यूड है वो कैसे डिस्टेंस मेजर करता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, वहां से लेकर वहां तक वो क्या है, एक्सटेंड है, यानी कि लैटिट्यूड की डिस्टेंस आप ऐसे चलोगे तो ये ऐसे में, तो यहाँ से. और लॉन्गिट्यूड के लिए
आप कैसे करोगे लॉन्गिट्यूड की मेजर डिस्टेंस ऐसे होगी ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है ना कि लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट इसका 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट है, तो यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है यानी 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे की तरफ, ठीक है। तो ये है, ये लॉन्गिट्यूडल और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने पढ़ा। इनफैक्ट यूरोप एंड एशिया फॉर्म अ कंटिन्यूअस लैंड मास कॉल्ड यूरेशिया। जो यूरोप और एशिया है वो एक लैंड मास को फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरेशिया का मतलब जो यूरोप और एशिया के लैंड मास फॉर्म करता है यानी कि यूरोप और एशिया का, तो नाम रख दिया यूरेशिया। तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा टेम्परेट जोन के बारे में कि कहाँ पे लाई करता है ये। अब हम आगे देखते हैं इसका लोकेशन यूरोप का, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मैप में, वर्ल्ड मैप में आप कहाँ पे देखोगे यूरोप, और ये सराउंडिंग है, ये देखिए ये सी से है ना, यहाँ पे सी ओ ओशन सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन इधर से, और यहाँ पे आर्कटिक ओशन, और ये है यूरोप, और ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है और ये यूरोप है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आई होप आपके पेपर में भी आते होंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया। However, due to distinctive geographical features, they are considered two separate continent, और फीचर अलग अलग होने के कारण जो यूरोप और एशिया वो उनको बोला जाता है अलग अलग कॉन्टिनेंट है वो। यूरोप एक पेनिनसुला है जिस जो सराउंडेड है, पेनिनसुला का मतलब जो हर तरफ से क्या हो, वाटर बॉडी से गिरा हो, यानी कि तीनों साइड से, उसको बोलेंगे पेनिनसुला। आर्कटिक ओशन इज प्रेजेंट इन इट्स नॉर्थ, यानी कि जो आर्कटिक ओशन है वो इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे आप मैप से भी इसको ध्यान रख सकते हो कि जो आर्कटिक ओशन है वो कहाँ है, यूरोप के नॉर्थ में। अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, जो अटलांटिक ओशन है वो वेस्ट में है और मेडिटेरियन सी साउथ में है, तो आप इस मैप से भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन हो गया, ठीक है, और मेडिटेरियन सी इसके कहां से है, साउथ से है। इनफैक्ट इट इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, और इसको बोला जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, यानी कि सराउंडेड है वाटर बॉडी से तीनों साइड से, इसलिए कहा जाता है इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। बिकॉज द सी हियर हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लैंड एंड हैव क्रिएटेड स्मॉल पेनिनसुलास, और जो सी है वो क्या है, यहाँ पे जो लैंड यानी कि पेनिट्रेटेड है बहुत गहरा है और वो स्मॉल स्मॉल पेनिनसुलास क्रिएट करता है। और ईस्ट में ये सेपरेट होता है एशिया से यूराल माउंटेन्स के थ्रू, कॉकेशस माउंटेन्स के थ्रू, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के थ्रू। कहाँ पे, जो यूरोप है वो ईस्ट से यानी कि एशिया से ऐसे अलग होता है यूराल माउंटेन्स के थ्रू। स्टूडेंट इन द ईस्ट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द, ये तो हमने पढ़ दिया, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और जो मेडिटेरियन सी है वो सेपरेट करते हैं इस कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन लैंडमार्क से जो साउथ की तरफ है। कौन, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरियन सी है। अब हम पढ़ते हैं इसके पॉलिटिकल डिवीजन यूरोप के। यूरोप में 51 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उसमें से बहुत सारी कंट्रीज को क्लासिफाइड किया है उनके लोकेशन के बेस पे, अलग अलग ग्रुप में, और ज्योग्राफिकल फीचर के बेस पे, और पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पे। जो 27 है उनमें से वो ज्वाइन करती है और फॉर्म करती है यूरोपियन यूनियन को, यानी कि इनमें से जो 27 कंट्रीज है वो फॉर्म करती है यूरोपियन यूनियन जो बना था 1993 में, किसके किस ट्रीटी के थ्रू, मैस्ट्रिच ट्रीटी के थ्रू, और ये एस्टेब्लिश किया गया ताकि ये यहां जनरेट हो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन इन मेंबर कंट्रीज के बीच में, और जो सिक्योरिटी हो किसके अगेंस्ट में, एनिमीज के अगेंस्ट में इनको सिक्योरिटी भी दी जाए। यूरो यहाँ की कॉमन करेंसी है जो यूज की जाती है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में मेंबर किसके, यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर नेशन के थ्रू। ब्रॉडली द यूरोपियन नेशन हैव बीन क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाइड किया जाता है यूरोपियन नेशन को जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो स्कैंडिनेवियन वो रीजन है नॉर्थ यूरोप में, और नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है, इसके साथ साथ फिनलैंड के साथ और आइसलैंड भी है इस ग्रुप में इंक्लूड, जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस। अब हम पढ़ेंगे लोलैंड कंट्रीज के बारे में। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये फॉर्म करते हैं लोलैंड कंट्रीज का ग्रुप, जिसको बोला जाता है बेनलेक्स नेशन, जहां बी का मतलब है बेल्जियम, नी का मतलब है नीदरलैंड, लक्स का मतलब है लग्जमबर्ग। तो इससे बना हुआ है, यानी कि बेल्जियम से बना हुआ है ये बी, और नेल बना हुआ है नीदरलैंड से, और लक्स बना हुआ है लग्जमबर्ग से। आपको ऐसा ध्यान रखना होगा जो लो कंट्रीज हैं उनको बॉर्डर्ड, यानी कि उनमें जो बाउंड्री है वो बॉर्डर्ड की गई है, वो जर्मनी के थ्रू इन पे बॉर्डरी है, और किस किधर की साइड, ईस्ट की साइड और फ्रांस की साउथ की साइड। ब्रिटिश आइजल्स यानी कि यूनाइटेड किंगडम और जो आयरिश रिपब्लिक है उनको बोला जाता है ब्रिटिश आइजल्स। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम,
आयरलैंड, फ्रांस और लोलैंड कंट्रीज, ये टुगेदर कॉल्ड बोले जाते हैं वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अगर यहाँ पे चैप्टर में आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कौन है, लोलैंड कंट्रीज में कौन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, इनको बोला जाता है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। और आइबेरियन पेनिनसुला जो है स्पेन, पोर्टुगल, एंडोरा कंस्टिट्यूट आइबेरियन पेनिनसुला, ये पेनिनसुला कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इनमें ये कंट्रीज आ जाएंगी। बाल्कन स्टेट में रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और यूरोपियन टर्की और यूगोस्लेवियन स्टेट अल्बानिया के, मैसिडोनिया के, सर्बिया के, ये इसमें ये जो कंट्रीज हैं, दे रखी आपको जितनी भी है, बाल्कन स्टेट फॉर्म करेंगे। और जो पहले की फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट है, यानी कि 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी कि डिवाइड हुआ, तो उसकी वजह से फॉर्म हुआ 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्रीज का। और इनमें से जो इंडिपेंडेंट नेशन है वो है 9 रिपब्लिक है जो लोकेटेड है यूरोप में, 5 रिपब्लिक है जो एशिया में, और जो रिमेनिंग है वो रशिया में लाइक करते हैं, जिसमें कि कहाँ है जो रशिया लाइक करता है, बोथ यूरोप और एशिया में। द 9 रिपब्लिक लोकेटेड इन यूरोप, यानी कि 9 रिपब्लिक जो यूरोप में लोकेटेड है वो है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट कौन कौन से थे। अब हम पढ़ेंगे बाल्टिक स्टेट के बारे में, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, इनको बोला जाता है साथ में बाल्टिक स्टेट। 5 टाइनी नेशन है, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, मोनाको और एंडोरा, लीचेस्टेन, ये 5 टीनी नेशन है यूरोप के। जो वेटिकन सिटी है वो बहुत ही स्मॉल कंट्री है वर्ल्ड की, और ये कहाँ है, ये कंट्री रोम में है जिसकी कैपिटल इटली में है। तो वेटिकन सिटी बहुत ही स्मॉल कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये है पॉलिटिकल मैप यूरोप का, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस, ये सारे जो भी कंट्रीज हैं जो हमने अभी पढ़ा, नॉर्वे, स्वीडन, ये तो हम इसके यूरोप के पॉलिटिकल मैप से भी देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है, और जो जो कंट्रीज हमने पढ़ी, स्पेन कहाँ पे है, इटली कहाँ पे है, हम इससे पढ़ सकते हैं। यूरोपियन स्टेट और उनकी कैपिटल, जो यूरोपियन स्टेट है उनकी कैपिटल क्या है, जैसे नॉर्वे की ओस्लो होगी, बुल्गारिया की सोफिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, कजाक रिपब्लिक की प्रेग, तो आपको ये टेबल दे रही है, आपको इनकी स्टेट कैपिटल ध्यान रखना है। फिजिकल फीचर पढ़ते हैं, जो यूरोप है लैंड है, लो माउंटेन पाए जाते हैं यहाँ, और ग्रेट प्लेन है, बहुत ही प्लेन है, इसका यूनिक फीचर है इसमें रग्ड आइडेंटेड कोस्ट लाइन है, ठीक है, और ये इसमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जितने भी कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के, इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो तटीय रेखा होती है वो। इट्स इंडेंटेड कोस्ट लाइन हैज गिवन राइज टू मैनी नेचुरल हार्बर्स, और इसी की वजह से क्योंकि यहाँ कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा है तो हार्बर्स भी बहुत है, नेचुरल हार्बर्स है। और इनके अलावा इसमें बहुत सारे इनलैंड सी है, बहुत ही डीप बेस है, खाड़ियां हैं, गल्फ है यूरोप में, जो कॉन्टिनेंटल को ब्रॉडली डिवाइड किया गया 4 मेजर फिजिकल डिवीजन में। फर्स्ट वन नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, सेकंड वन नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स, थर्ड वन सेंट्रल हाईलैंड, और फोर्थ वन इज द साउदर्न माउंटेन सिस्टम। जियोबस में हम पढ़ लेते हैं, जो यूराल माउंटेन है जिसको यूराल बोला जाता है वो रन करता है नॉर्थ टू साउथ, कहां से, वेस्टर्न यूरोप से, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन टू द यूराल रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान। तो कहां से, आर्कटिक ओशन से लेकर यूराल रिवर तक नॉर्थ वेस्ट कजाकिस्तान में है, जो यह है यूराल माउंटेन स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये यूरोप हो गया, और ये यहाँ पे यूराल माउंटेन है जिसको यूराल्स कहते हैं, जो रन करता है कहां से, जो रन करता है नॉर्थ टू साउथ, कहां, वेस्टर्न यूरोप ये, और इसमें है अल्पाइन माउंटेन सिस्टम और साउदर्न चेन ऑफ पेनिनसुला। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल डिवीजन है जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड है उसको स्कैंडिनेवियन हाईलैंड भी कहा जाता है। इस माउंटेन सिस्टम ये जो एक्सटेंड है कहां से शुरू है, यूराल माउंटेन, यानी कि रशिया के यूराल माउंटेन से लेकर आइलैंड तक, और कवर करेगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन किसका, नॉर्वे का और स्वीडन का, और हाईलैंड है इसमें ब्रिटिश आइसल्स के। जो नॉर्दर्न पार्ट इन हाईलैंड का उसको बोला जाता है फेनोस स्कैंडियन सील्ड, ये जो हाईलैंड है ये लोकेटेड है बहुत ही नजदीक कोस्ट फार्मिंग स्टीप स्लोप में, किसके साथ में है, जो अटलांटिक ओशन पे है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट माउंटेन है यूरोप में, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, बहुत ही हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है, और ये
एक टाइम पे बहुत ही हाई हो गए थे, रग्ड हैं, थिक मासेस हैं, आइस कवर्ड, ये किससे ढके हुए हैं, आइस से ढके हुए हैं, कब थे, कब की बात है, जब आइस एज का दौर था। हाउएवर बिकॉज ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग और ग्लेशियर इरोजन की वजह से जो उनकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दे वर देन ट्रांसफॉर्म इंटू लो राउंडेड हिल्स, और इसकी वजह से ये चेंज हो गए हैं लो और राउंडेड हिल में। ये जो हाईलैंड है ये इसमें बहुत ही ज्यादा प्लेसेज है जो कोस्ट के किनारे हैं, तट के किनारे हैं, जहाँ डीप ग्लेशियर वैलीज है वो सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है और किससे भरी हुई है, सी वाटर से। इसलिए जो बहुत सारे फॉयर्स हैं वो फॉर्म्ड हैं इधर, जो नैरो डीप इनलेट्स है सी के, जिसमें कि स्टीप डीप स्टिक रॉक है उसके दोनों साइड से, यानी कि बीच में पानी है दोनों साइड से रॉक। दिस हैज मेड द कोस्ट लाइन हाईली रग्ड और इंडेंटेड, और इसी की वजह से जो कोस्ट लाइन है वो रग्ड है और इंडेंटेड भी है। तो ये देखिए ये इंडेंटेड रग्ड ऊपर नीचे इक्वल नहीं है, और ये यहाँ पे फायर्स, यानी कि ये बन गया ना, ये बीच में वाटर बॉडी है और इसके अगल बगल, वाटर बॉडी का मतलब यहाँ पे पानी है और इसके अगल बगल ये माउंटेन। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। जो वास्ट नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है वो आर नॉट एन एब्सोल्युटली फ्लैट सर्फेस, फ्लैट सर्फेस नहीं है, ये लो लैंड है, ये जेंटली रोलिंग प्लेन्स है और वो कभी कभी राइज हो जाते हैं 300 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर, और कहीं कहीं जगह पे जो एंशियंट ब्लॉक है वो एक बड़ी हाइट पे क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स है वो क्या है, सेंट्रल प्लेन्स है यूरोप का, जो लाई करता है किधर की तरफ, साउथ, नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स के साउथ की तरफ। ये जो प्लेन है ये एक्सटेंड है कहां से, यूरोप से, राइट अक्रॉस यूरोप फ्रॉम द यूरल माउंटेन, यानी कि यूरल माउंटेन की तरफ, जो यूरोप की साइड ईस्ट की तरफ, और कहां तक, टू द अटलांटिक ओशन कोस्ट, जो वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ टू साउथ जो ये प्लेन्स हैं ये क्या है, 2400 किलोमीटर वाइड है, और ईस्ट टू वेस्ट ये ब्रॉडर प्लेन्स है रशिया के, नैरो डाउनवर्ड्स द वेस्ट फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप, यानी कि ब्रॉडर प्लेन्स जो रशिया में है, ठीक है, वो कैसे नैरो डाउन है और किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ फॉर्म करते हैं ट्रायंगुलर शेप, और कहां तक एक्सटेंड है, ब्रिटिश आइजर्स तक ये फॉर्म करते हैं वेस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये जो प्लेन्स है ये फ्लैट है, फर्टाइल है, इसलिए सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ क्या होती है, फॉर्म्ड होती है सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय ग्लेशियर, जो ग्लेशियर लाती है अपने साथ, और जो बड़े बड़े रिवर हैं जैसे कि राइन, डनूबे, डेनिपर, सीन, डॉन, वोल्गा, ये जो प्लेन है ये कंसिडर करते हैं बहुत ही सारा प्लेन, किसका, यूरोप का, जो कवर करता है लंदन की मेजर पार्ट को, पेरिस, लोबाल्डी जो इटली में है, हंगरी, एंडालुसिया स्पेन में है, और वालेशिया जो रोमानिया में है। कुछ जगह पे जो हिल्स हैं वो इरोडेड हो रही हैं, ठीक है, वो बेसिन में जले जा रही हैं, जैसे कि पेरिस बेसन है जो फ्रांस में, जो सैलो नॉर्थ सी, व्हाइट सी और बाल्टिक सी और रिप्रेजेंट करते हैं समर्स पोर्शन इस प्लेन्स की। अब हम जियोबज में पढ़ते हैं, जो यूक्रेन है वो सफल हो रहा है, वर्ल्ड्स वर्ड रिकॉर्ड एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ, 26 अप्रैल 1986 को यहाँ जो रिएक्टर नंबर 4 है कहाँ पे, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक्सप्लोड किया गया और उसने रिलीज किए, यानी कि वो जब फटा उसके बाद जो रिलीज किया गया, इस जो न्यूक्लियर, जो भी ये न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रिलीज करते हैं रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स और वो एटमोसफेयर में फैल जाते हैं, और ये फैल गए ऐसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यूक्रेन ने वर्ल्ड का वर्स्ट रिकॉर्डेड न्यूक्लियर एक्सीडेंट को फेस किया है। सेंट्रल हाईलैंड जो ये लाई कर रहे हैं किसके बीच में, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और अल्पाइन माउंटेन सिस्टम के बीच में, जो सेंट्रल हाईलैंड से वो फॉर्म करता है जो बेल्ट और सीरीज किसकी, माउंटेन्स की, हिल्स की और डाइसेक्टेड प्लेट की, उसकी डाइसेक्टेड का मतलब वो कटी कटी प्लेट, यानी कि बीच बीच से ऐसा लगेगा कि वो कटी हुई है जैसे पीसेस में। दीज आर मच लोअर, ये बहुत ही क्या है, लो है, जिनकी जो हाइट है वो 1600 मीटर ही है सी लेवल के अबव। ये कंपोज किए गए थे ओल्ड रॉक से, जो ह्यूज डिपोजिशन ऑफ कोल है जहाँ। इनके जो हाईलैंड्स हैं वो वुडेड है, और जो रिवर राइन और रोन है ये यहाँ फॉर्म्ड होती है वाइट फॉल्टेड वैलीज में, इस रीजन में। जो मेन अपलैंड है विच मेक अप द सेंट्रल हाईलैंड्स वो है मेस्टा, यानी कि जो स्पेन में, मैसिव सेंट्रल और वॉस्केस जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट और हायर्स माउंटेन जो जर्मनी में है, आर्डेंस जो बेल्जियम में है, और प्लेटियो बोहिमा जैक रिपब्लिक और सोल्बेक रिपब्लिक में है, जो यूरल माउंटेन जो यूरोपियन रशिया में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, यूरालेशिया। The Southern Alpine Mountain System क्या है? ये किधर की तरफ है? Central Highland की
साउथ की तरफ है, और जो एल्पाउन माउंटेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, एटलांटिक ओशन से कैस्पियन सी तक स्ट्रेच फैला हुआ है। ये एक सीरीज है पैरेलल यंग फोर माउंटेन्स की। यहाँ बहुत ज्यादा हाई पीक है, स्टीप स्लोप्स और डीप वैलीज भी है, जो कि इसको माउंटेन सिस्टम को डिसकंटिन्यूस बनाती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होने की वजह से। जो माउंट ब्लैक यानी कि जिसकी हाइट है 4810 मीटर, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है एल्प्स में। जो एल्प माउंटेन रेंज है वो प्रेजेंट है सेंटर किसके, एल्पाउन माउंटेन सिस्टम के सेंटर में, और जो पास हो रही है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के से पास हो रही है। माउंटेन की आपको यहाँ पे पिक दे रखी है इन द एल्पाउन माउंटेन सिस्टम। और जो ईस्ट है उसमें टू ब्रांच है एल्पाइन सिस्टम के, जो स्प्लिट हो रखी है नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में। जो नॉर्दर्न ब्रांच है वो फॉर्म्ड होती है कार्पेथियन रेंज यानी कि जो स्लोवाकिया में, पोलैंड में और यूक्रेन और रोमानिया में है, और जो बाल्कन माउंटेन रेंज है वो बुल्गारिया में है। जो साउदर्न ब्रांच इंक्लूड करती है वो है ड्राइनरिक एल्प्स रेंज, जो पेनिट्रेट होती है बाल्कन पेनिनसुला में यानी कि गिरती है, और जो पिंडस माउंटेन है वो ग्रीस में है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे कैसे माउंटेन है, कहाँ कहाँ है, ये आपको बता रखा है। अभी जो ईस्टर्न एंड यानी कि अल्पन सिस्टम का ईस्टर्न एंड है वहां पे है काक्सस माउंटेन, जो लोकेटेड है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, यानी कि जो कैक्सस माउंटेन है वो है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। और जो माउंटेन एल्ब्रस यानी कि जिसकी हाइट है 5642 मीटर, वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है काक्सस रेंज का। वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक यहाँ कॉमन है एल्प्स माउंटेन रीजन में। जो माउंट वेसिवियस है और माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली है वो कुछ एक्टिव वोल्केनोस इस रीजन में फाइंड आउट की गई है। ड्रेनेज सिस्टम यूरोप का क्या है, जो ड्रेनेज बेसन है मोस्ट यूरोपियन रिवर्स का वो बहुत ही ज्यादा लाई करते हैं माउंटेन एरियाज में, जो रिसीव करते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन, वहां ज्यादा बारिश होती है और स्नो भी गिरती है। यूरोप में बहुत ज्यादा नदियां और झीलें हैं। जो रिवर है यूरोप की उनको कैटेगराइज किया गया थ्री टाइप में, रिवर वेस्ट में, ईस्ट में और स्कैंडिनेवियन रिवर्स। अब जो रिवर है वेस्ट में वो प्रेजेंट है अल्पाइन माउंटेन्स, और उसमें जो इंक्लूड है वो है रोन, राइन, डनोबे और पो, ये रिवर है। ये रिवर प्रोवाइड करते हैं इनलैंड वाटर बेस को। और कुछ और रिवर है वेस्ट में जो इंक्लूड करती है ग्वाडलक्विविर, टागोस, डोरो, एब्रो, और यहाँ पे ये जो रिवर है वो राइन रिवर दिखाई गई है आपको। और ये जो रिवर के नाम है वेसर, एल्बी, ऑर्डर और वेस्टोलिया भी। जो सेकंड ग्रुप है यूरोपियन रिवर्स का वो लाइज है ईस्ट की तरफ, और ये फॉर्म करता है रशियन रिवर्स को। इसमें क्या क्या रिवर इंक्लूड है, यूरल, वोल्गा, डॉन, डिनिस्टर, डेनिपर, डिवना। इनमें से जो ज्यादा रिवर है वो जमी रहती है विंटर सीजन में, और इसलिए वहां क्या नहीं हो सकता है, नेविगेबल यानी कि वहां शिप वगैरह नहीं जा पाते हैं, आप बोट्स वगैरह नहीं चला सकते हो। और जो थर्ड ग्रुप है रिवर्स का वो ओरिजिनेट होता है स्कैंडिनेवियन हाईलैंड से। ये शॉर्ट है फास्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे कि पैकोरा और मीजेन, और ये हार्नेस्ड होती है किसके लिए यूज किया जाता है, इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जियोबस्मिक इंफॉर्मेशन है, जो वोल्गा रिवर है वेस्टर्न रशिया में, उसकी लेंथ है 3690 किलोमीटर। ये राइज किधर की तरफ है, वाल्डेल हिल में, जिसको जो हाइट है 225 मीटर है सी लेवल के अबव। ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को में, कौन, वाल्डिया हिल्स, और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि कामा, ओका, वेडुल्गा एंड सूरा। जो वोल्गा है वो लॉन्गेस्ट रिवर, बहुत ही लंबी नदी है यूरोप की। आपको ध्यान रखना है कि वोल्गा रिवर बहुत ही लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यूरल माउंटेन से होती है, और गिरती कहाँ पे है, कैस्पियन सी में, जब ये कहाँ फ्लो हो करती है, रशिया के थ्रो फ्लो होने के बाद, मतलब रशिया से फ्लो होने के बाद ये कहाँ पे गिर जाती है, कैस्पियन सी में, और ओरिजिनेट होती है यूरल माउंटेन से, कौन, वोल्गा रिवर, जो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। जो राइन वाटर वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वेज है यूरोप में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये है वोल्गा रिवर स्टूडेंट, जो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। जो डनोबा है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, ये ओरिजिनेट होती है एल्प्स से, और कहाँ पे खत्म होती है, ब्लैक सी पे, और ये केवल एक ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी कि जो ईस्ट से बहती है, ईस्ट डायरेक्शन से। जो राइन है वो बिजिएस्ट रिवर है यूरोप की, ये फ्लो होती है रिफ्ट वैली से, जो रिफ्ट वैली किस किस के बीच है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉसगेस माउंटेन के बीच है, जो फ्रांस में और नीदरलैंड के बीच है। ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है आल्प्स और एंड में, एंड यानी कि कहाँ पे एंड होती है, नॉर्थ सी में, वहां पे जाती गिर जाती है। मतलब जो रोन है वो ओरिजिनेट है जूरा माउंटेन से, और ये फ्लो करती है साउदर्न फ्रांस से, और जो गिरती है ये मेडिटेरियन सी में। जो रिवर थेम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंग्लैंड की। जो रॉरे रिवर है वो फ्लो करती है वेस्टर्न फ्रांस से, और ये ओरिजिनेट होती है मैसिव सेंट्रल, और गिरती है बे ऑफ बिस्के में। जो सीने रिवर है वो सोर्स है
क्या किसका जो सीनियर रिवर का सोर्स है वो प्लेट्यू पे लाइज करता है, कौन से प्लेट्यू पे, प्लेट्यू डी लैंग्रेज पे, और ये गिरती है इंग्लिश चैनल में जब ये नॉर्दर्न फ्रांस से होके गुजर जाती है, उसके बाद ये इंग्लिश चैनल में क्या गिर जाती है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रिवर्स आर नेविगेबल, यानी कि जहां पे हम उनमें शिप वगैरह से आ जा सकती हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट भी फॉर्म करती है। लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी लेक फाउंड होती है नॉर्दर्न पार्ट यूरोप के, उसमें से कुछ फाउंड होती है जिनका रिजल्ट हो जाता है ग्लेशिएशन, यानी कि आइस एज के दौरान जहां पे ज्यादा ग्लेशियर बने थे। फिनलैंड अलोन हैज 50,000 लेक्स है फिनलैंड में, और इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक, क्यों, क्योंकि वहां 50,000 लेक है, इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीके के क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं यहाँ से। लेक लैडोगा ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इस कॉन्टिनेंट की, और इसका सर्फेस है 17,700 स्क्वायर किलोमीटर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ये है लेक लैडोगा। जो लेक ओनेगा है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, जिसका सर्फेस है 9,894 स्क्वायर किलोमीटर। जो दूसरी लेक है जिसको बोला जिसका जो है वेनरन और वेडरन, ये है स्वीडन में, कॉन्स्टेंस और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और कोमो मैगिरो है इटली में। ये लेक है कुछ कुछ जो स्वीडन स्विट्जरलैंड और इटली में है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है कॉन्टिनेंट स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप चैप्टर 7, ये है क्लास 7 ज्योग्राफी का, और जो रिमेनिंग है यानी कि हम स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें टूरिस्ट से रिलेटेड जो दे रखा है वो मैं लाऊंगी पार्ट 2 में। अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 समझ में आया है तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना ना भूले अपने